आज से जब शूद्र समाज के सभी लोग सभी महान पुरुषों के नाम लेने लग रही हैं पार्टियां, तो क्या आपको क्या लगता है कि इससे बीएसपी के वोट बैंक पे कहीं ना कहीं कटौती आएगी या बढ़ावा आएगा, उसके बारे में बताएं। देखें, ये शंका आपकी ठीक है जी कि आज जो बहुजन समाज के लोग हैं जी, जो हमारा वोटर है जी, वैसे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आज का उत्तराखंड, सम पार्ट ऑफ बिहार, उधर छत्तीसगढ़, इधर सम पार्ट ऑफ हरियाणा, इनमें जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, वो ये जानते हैं कि ये लोग जो हमारे संत महापुरुषों का नाम ले रहे हैं, ये लोग नकली हैं। और ये मौके की ताक में है, बहुजन समाज के वोटर को ये बहकाना चाहते हैं जी। ये कह करके कि देखो, हम भी तो आपके संत महापुरुषों की पूजा करने लगे हैं, मानने लगे हैं। तो मैं अपने सवाल को पुनः दोहराता हूं कि जब बाबा साहेब का भी इतिहास पहले से था, फोटोग्राफ भी पहले से था, संविधान भी पहले से था, ज्योतिबा फूले का भी इतिहास पहले से था, छत्रपति साहू जी महाराज का भी था, नारायणा गुरु का भी था, पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर का भी था। ये पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर के विषय में तो नहीं बोलते हैं जी। उनके विषय में बोले ना, उनका नाम ले ना, उनका नाम नहीं ले सकते जी। क्यों नहीं ले सकते? कि वो जो महेश शर्मा ने जो बात कही है, सांसद ने जो बात कही है जी, क्या बात कही है? वो बात कि भाई ऊपर वाला बेवकूफ है, भगवान बेवकूफ है, राम के नेता ने कहा, बीजेपी के नेता ने कहा। तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो समझ गए हैं पेरियार की बात को। पेरियार ने भी तो यही कहा है कि जो लोग ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर की स्थापना करते हैं, वो मूर्ख हैं, और जो लोग उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं जी, पूजा पाठ में, वो लोग महामूर्ख हैं जी। और इस तरह करके उन्होंने पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर ने जी, तो बड़ा बेहतर तरीके से इनकी धज्जियां उड़ाई हैं। हालांकि धज्जियां नहीं कहना चाहिए मुझे, उन्होंने समाज को समझाया है कि कहीं पर भी कोई भगवान नाम की चीज है नहीं जी, कोई ईश्वर है नहीं जी। और यही बात तथागत गौतम बुद्ध कह गए हैं। तो हम भी बहुजन समाज के लोगों को आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, ये जो हम लोग संपादकीय लिखते हैं उसके माध्यम से, छोटी छोटी किताब लिखने के माध्यम से, हम लोग समाज में समझाने का प्रयास कर रहे हैं बहुजन समाज को कि भाई ये इनका एक ढकोसला है, ये इनका एक प्रपंच है कि हमारे संत महापुरुषों का नाम ले ले करके हमको गुमराह करना चाहते हैं, हमको बहलाना फुसलाना चाहते हैं, हमको प्रलोभन देना चाहते हैं, लोभ देना चाहते हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम आपके संत महापुरुषों का उतनी ही सम्मान करते हैं। लेकिन कांशीराम साहब के अल्फाजों में ये नहीं है, उनके अल्फाजों में बात असली ये है कि ज्यों ज्यों बहुजन समाज के लोगों ने अपनी नालायकी छोड़ी है और लायकी का प्रदर्शन किया है, तब हमारा विरोधी हमारे संत महापुरुषों की पूजा करने के लिए आतुर हो चला है, वो मानने लगा है। ये ऐसे नहीं मान रहे हैं, ये वोटों के लालच में ये काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी समझाने का काम कर रहे हैं अपने समाज को कि इनके बहकाने में ना आवें। ये कभी हमारे संत महापुरुषों को सम्मान मन से, तल से और दिल से नहीं देना चाहते हैं, ये केवल गुमराह करना चाहते हैं। इनको एक भी वोट इस आधार पर मान करके नहीं कास्ट करनी चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, अरे बहुजन समाज पार्टी का चुनाव तुम चुनाव चिन्ह तो तुम्हारे समाज की पूरी पहचान है जी। आप लोग नागवंश के लोग हैं, जो बहुजन समाज है वो नागवंश के लोग हैं और नागपाली भाषा में हाथी को कहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा संत महापुरुष हाथी है, वह हाथी का सम्मान करो, हाथी के चुनाव चिन्ह के खाने वाला
बटन दबा करके और हाथी को मजबूत करके हाथी को संसद तक पहुंचाओ, ये मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, बहुजन समाज को समझाना भी चाहता हूँ कि इनके लालच में, इनके बहकाने में, फुसलाने में, मनाने में, डराने में, धमकाने में कहीं पर भी नहीं आना है। अपने संत महापुरुषों का जो आंदोलन है उसको सफल करना है, सरकार बना करके जल्दी सफल हो सकता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का हमारा सिद्धांत है। बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल ही नहीं है, ये अपने आप में एक आंदोलन है, सामाजिक और आर्थिक मुक्ति आंदोलन, ये हमारा एक आंदोलन है। उस आंदोलन के तहत अगर केवल मात्र राजनीतिक दल होता तो इन लोगों के माध्यम से तो कब का बखेर दिया होता जी। लेकिन हमारा नेतृत्व परपक्क है, विचारधारा से परपक्क है, समर्थक हम लोग परपक्क हैं, हम पे कोई असर नहीं पड़ता किसी का।